सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका YouTube चैनल प्रिया व्लॉग्स हिमाचली में। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो मैं अभी आ गई हूँ जंगल में और मैं आई हूँ घास काटने के लिए। आज मैं घास काटने के लिए अकेले आई हूँ क्योंकि मैया गए हैं डिपू का सामान लेने के लिए धरोकड़ा। तो पहले डिपू का सामान लेने के लिए मुझे भेज रहे थे पर मैंने मना कर दी क्योंकि मैंने कभी भी डिपू का सामान नहीं लिया है, तो मतलब मुझे पता नहीं है कि क्या होता है कैसे। तो इसलिए मैं घास काटने के लिए आ गई। तो अभी ना मैं उस जगह पर पहुंच गई हूँ जहाँ पर मुझे घास काटना है। तो अभी घास काटना ना स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर से ना मुझे घास लेकर जाना है। इसमें बीच बीच में इस तरह का घास है और बीच बीच में ऐसी कुछ हरी पत्तियाँ हैं। तो ये मिक्स मिक्स करके ना मतलब एक प्रकार का हरा चारा होता है जिसको गाय को हम दिन को खाने के लिए देते हैं। तो तो गाइज अभी मैंने घास उठा लिया है और अभी मैं घर को चलती हूँ। और यहाँ ऊपर ना रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो देखिए इस तरह का जो होता है खड़ेले बोलते हैं हमारे इसको, ऊंचे ऊंचे, तो इस पर चढ़ना ना थोड़ा टफ होता है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी अभी। अभी मैं सीधे रास्ते में पहुँच गई हूँ जो रास्ता सीधे मेरे घर तक जाता है। और अब देखिए मौसम भी ख़राब हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ना बारिश की हल्की हल्की सी बूंदें भी शुरू हो गई थी। आजकल चारों तरफ को ना हरा भरा हुआ रहता है और कुछ महीने बाद ना चारों तरफ को बिल्कुल सूखा सूखा सा नज़र आएगा, बिल्कुल सुनसान, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो ज़्यादातर मेरी मैया ही घास वगैरह का काम करते हैं और मैं घर में काम करती हूँ जैसे खाना वगैरह बनाना। और जब भी मैं घास को आती हूँ ना हर बार मैं दराती भूल जाती हूँ, जहाँ पर घास काटती हूँ मैं वहीं पर दराती रख देती हूँ, पर इस बार ना मैं दराती भी साथ ले आई। तो ये एक बड़ी अजीब बात भी है और अच्छी बात भी है। अभी ना मैं घर पहुंचने वाली हूं और यहां पर देखिए यहां पर गोप्स लगाई हुई है। यहां पर हम गोबर को स्टोर करके रखते हैं, इस तरह से गांव में ऐसे ही रखा जाता है। और इस गोबर की ना खाद भी बहुत अच्छी होती है खेतों के लिए, और सर्दियों में ना गोबर की खाद डालने का काम किया जाता है खेतों में। आजकल ना चारों तरफ ये वाइट वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं। इस फूल को ना हमारे यहाँ पर बोलते हैं भराड़ी, और आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये फूल भी बहुत काम की चीज़ है। आगे एक त्यौहार आता है जो गौ पूजन का त्यौहार होता है, उसमें ये भराड़ी के फूल बहुत काम आते हैं। तो गाइज़ अभी मैं घर में पहुँच गई हूँ और ये है मेरे घर के पास सीढ़ियाँ जो आंगन के लिए है। गाइज़ अभी मैं भी घर में पहुंच गई हूं और मैया भी डिपू का सामान लेकर वापस आ गई है। और मैया ने धरोगड़ा से मेरे लिए लाया है आलू भुजिया। तो अभी मैं ना आलू भुजिया खा लेती हूं और व्लॉग में एंड तक बने रहे।